हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जो आपकी आपने प्रॉब्लम्स पूछी हैं उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने आपको क्वेश्चन 1 से 30 तक लगाने के दिए थे। उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, वो हमने आपके सामने भी लिख लिए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आपसे कहा था क्वेश्चंस को कम्प्लीट करिएगा, मगर बहुत ही कम बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं। बहुत ही कम बच्चों ने काम किया, होमवर्क आप कर नहीं रहे हैं, लापरवाही हो रही है, इस तरह से क्लास नहीं चलेगी। आप अपने होमवर्क को प्रॉपर कंप्लीट करिए और तुरंत भेजिए। लापरवाही करेंगे ये ठीक बात नहीं होगी। जब क्लासेस चालू होंगी फिर हम आपको बहुत कायदे से टाइट करेंगे। पढ़ाई के समय पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई को बिल्कुल प्रॉपरली करिए, जो कहा जाए उसको कंप्लीट करिए डे टू डे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमको ये लापरवाही दिखनी नहीं चाहिए। जो भी होमवर्क दिया जाए आप तुरंत कंप्लीट करके तुरंत भेजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप तुरंत पूछिए। तुरंत कमेंट करके बोलिए कि सर हमको ये क्वेश्चंस नहीं आया। इस तरह से लापरवाही नहीं चल पाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 तीन क्वेश्चन हमने लिखे हैं, ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 32 कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। 1 * 32 कितना आएगा, 1 * 32 32 आएगा। 32 कैसे दो फैक्टर करो जिनका सम कितना होना चाहिए, 18। तो 32 कैसे दो फैक्टर 16 और 2 होते हैं। 16 * 2 = 32, तो 16 + 2 और 16 + 2 का जो सम होगा वो 18 के बराबर होगा। हमने सारे फैक्टर्स इस बार नहीं लिखे, आपको सिर्फ वही फैक्टर जो जरूरत है, ठीक है ना। चलिए आइए सर देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे आप, x2 + 16 + 2 * x +32, ब्रैकेट ओपन करिए। आपने 18 के प्लेस पे 16 + 2 लिखा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, 16x + 2x + 32। इसमें कॉमन है क्या, x, तो x प्लस 16 आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, 2, x प्लस 16 आ जाएगा। दोनों में इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x प्लस 16, यह आ जाएगा x प्लस 2। जब इसको x प्लस 16 से इसको डिवाइड करोगे x बचेगा, x प्लस 16 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 150 कैसे दो फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 19। तो आइए सर जरा इसके देखिएगा फैक्टर। इसके फैक्टर होंगे 25 6 25 into 6 25 into 6 25 into 6 अब इनका जरा डिफरेंस देखिए 25 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है 19 हमको ऐसे तो चाहिए था 25 कैसे दो फैक्टर सॉरी 150 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना डिफरेंस क्यों लिया क्योंकि बीच में माइनस लगा है यहाँ पे डिफरेंस क्यों लिया। अगर प्लस होता है ये साइन, कांस्टेंट का साइन प्लस होता है तो सम लेते हैं, कांस्टेंट साइन का नेगेटिव होता है, माइनस लगा होता है तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस लेंगे कितना, 25 और 6, यहाँ क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 150। कितनी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x 150। कैलकुलेट करिए, x प्लस 25 माइनस 6 x प्लस 25, चेक करिए, कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए। सही है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 25। क्या बचेगा, जब x प्लस 25 से इसको डिवाइड करोगे तो x बचेगा और ये माइनस ऐसे आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा फैक्टर। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 24 * 1 यहाँ पर 1 है तो 24 कैसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2√3 आना। डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि माइनस लगा है, जिनका डिफरेंस 2√3 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इसके फैक्टर जरा देखिएगा, इसके फैक्टर करिए। अब फैक्टर में यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हिंट मिलेगी, √3 यानी 3 कहीं ना कहीं इसके अंदर जरूर आना चाहिए, 3 को ऐसे फैक्टर हमको क्रिएट जरूर करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2√3। चलिए तो इसके फैक्टर से जरा पहले देखिए, एक होता 1 * 24, इससे कोई मतलब हमें है नहीं, 2 * 12 ये भी बेकार है, 3 * 3 = 24, चेक करिए। अब जरा इसी से बनेगा काम, इसी कैसे काम बनेगा जरा देखना, क्योंकि रूट थ्री किसमें आ रहा है, 3 वाले में, इस वाले में, क्योंकि आगे तो अब आगे जो मिलेगा 4 आएगा, बाकी आएगा तो वो बेकार है। 3 को इसको जरा अलग देखिए, इसको समझिए किस तरह से करना है। तो हमारे पास 3 * 8 को जरा हम तोड़ने जा रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा, इस 3 को रूट 3 टू रूट 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 को रूट 3 टू रूट 3 क्यों रूट 3 में तोड़ा, क्योंकि हमें जो यहाँ बीच में वैल्यू चाहिए वो रूट 3 के फॉर्मेट में चाहिए। अब इसको इस 8 को तोड़ रहे हैं 4 इंटू 2, ठीक। अब जरा देखना, हम दो नंबर बना रहे हैं, 4 को इसके साथ इन्वॉल्व कर दिया तो एक नंबर बना 4 रूट 3, और 2 को इसके साथ इन्वॉल्व कर दिया तो एक नंबर बना 2 रूट 3। अब अगर हम 4 रूट 3 में से 2 रूट 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 रूट 3 आएगी। 4 रूट 3 में अगर 2 रूट 3 कम होते हैं, अगर 2x में 4x में 2x कम होते हैं तो 2x बचता है ना, तो 4 रूट 3 में 2 रूट 3 कम हो रहे हैं, इसको x पढ़िए, 4x में से 2x कम हो रहा है तो 2x बचेंगे ना, तो यानी 4 रूट 3 में अगर 2 रूट 3 कम हो रहा है तो 2 रूट 3 ही बचेगा। तो यानी इसके दो फैक्टर क्या बने, एक फैक्टर आएगा 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स माइनस 24। समझदारी से काम करिए, बहुत अच्छा सवाल है इसमें। अंतर गुणा कराएंगे क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 2 रूट 3x और माइनस 24, यानी 24 को 3 इंटू 8 लिखा और 3 को 3 इंटू 8 को इस तरह से तोड़ा है आपने। बहुत ही अच्छे से समझिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या बचेगा, x प्लस 4 रूट 3। इसमें जरा ध्यान दीजिए, माइनस तो कॉमन है ही, इस 24 का मतलब, इस 24 का मतलब आप ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है, इस 24 का मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो ये तो लिखा है ये इंटू ये इंटू ये। अब देखिए इसमें कॉमन, अगर हम देखें 24 का, ये 24 बराबर ये है, 24 का मतलब ये लिखा है कि नहीं लिखा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर रूट 3 भी है, यानी 2 रूट 3 कॉमन आ रहा है, 24 के अंदर 2 रूट 3 है कि नहीं। देखिए 24 को आप ऐसे लिख सकते हो, और इसके अंदर 2 भी है और रूट 3 भी है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी रूट 3 है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी रूट 3 है, तो 2 रूट 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा, ठीक। आपने क्या कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया और रूट 3 कॉमन कर लिया, क्या बचा 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 हो रहा है। चेक करिए अभी दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, 4 प्लस x प्लस 4 रूट 3, और जब इससे डिवाइड करो तो बचेगा x माइनस 2 रूट 3, और ये आपका आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा, नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से काम करिए, और जो भी कॉपी आप मेंटेन करिए आप हमको इमेज क्लिक करके व्हाट्सएप करिए, तुरंत होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए डे टू डे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको आगे देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर है 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 6x प्लस 60, वैसे ही क्वेश्चन है ये, 7 रूट 6 प्लस x, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें रूट 6 आ रहा है ना, रूट 6 से हिंट कर रहा है कि 60 इंटू 1, यानी हमारे पास एक पॉइंट नंबर क्या मिला, 60 इंटू 1 करें तो 60 आएगा, 60 के ऐसे दो फैक्टर करने, किसके 60 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनका सम कितना होना चाहिए 7 रूट 6। तो देखो रूट 6 से एंड कर रहा है, किससे, 6 वाला तो एक फैक्टर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10, नहीं लिख सकते 60 को। अब इस 6 को देखो कैसे तोड़ रहे हैं, रूट 6 इंटू रूट 6, और इसके फैक्टर करिए 5 इंटू 2, 10 के दो फैक्टर कौन बनेंगे 5 इंटू 2 बनेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक नंबर बना लिया 5 रूट 6, एक नंबर क्या बन गया 5 रूट 6, दूसरा नंबर क्या बनेगा 2 रूट 6, और दोनों का सम देखिए 5 रूट 6 और 2 रूट 6 का सम 7 रूट 6 होगा, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फैक्टर आसानी से हो गया, एक बना 5 रूट 6 और एक बना 2 रूट 6, और दोनों का सम 7 रूट 6 के बराबर है कि नहीं, देखिए चेक करिए, एक फैक्टर बना 5 रूट 6 और ये कंबाइन करें तो एक फैक्टर बनेगा 2 रूट 6, और दोनों का सम देखिए 7 रूट 6 है कि नहीं है, काम हो गया, अंदर गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 6x प्लस 2 रूट 6x प्लस 60। एक 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कॉमन करिए सर x, क्या वैल्यू आएगी x प्लस 5 रूट 6। अब इसमें इसमें कॉमन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, दिखता नहीं, तो 60 को देखो आपने कैसे एक्सप्लोर किया है, कैसे खोल रखा है, इस तरह से रखा हुआ है ना, 60 का मतलब ये लिखा है कि नहीं, नीचे देख लीजिए 60 का मतलब ये होगा कि नहीं होगा। अब जब ये 60 का मतलब ये होगा तो इस 60 के अंदर 2 है रूट 6 है, तो आप कॉमन ले लीजिए 2 रूट 6, भाई इसमें तो 2 रूट 6 है, इसके अंदर 2 रूट 6 है कि नहीं, है देखिए 2 रूट 6 है,
कॉमन कर लिया, क्या बचेगा यहाँ x। अब जब 2 रूट 6 चला गया है कॉमन होके, क्या बचा है 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 यहाँ बच जाएगा। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 5 रूट 6, इससे डिवाइड करेंगे x बचेगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रूट 6 बचेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक से पूछा गया, ठीक ठीक तरीके से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है x स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 x प्लस 48, 6 रूट 6, 6 रूट 6, चलिए x स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 x प्लस 48, ये क्वेश्चन है। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आए हैं, इसलिए उनको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, बच्चों ने भेजे भी हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया कैसे करेंगे, हम भरवा रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से, 48 इंटू 1 यानी 48, 48 कैसे, दो फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए 6 रूट 6, अगर प्लस लगाए तो सम, माइनस लगाए तो डिफरेंस, कैसा कितने बराबर, थर्ड टर्म के बराबर, थर्ड टर्म यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट के बराबर करिए। चलिए रूट 6 हिंट कर रहा है, इसका एक फैक्टर 6 लेना ही लेना है आपको, 6 ले लिया तो 6 इंटू कितना 48 होता है, 6 8 जा 48, तो 6 इंटू 8 लिख लिया। अब इस 6 को ऐसे लिख सकते हो आप, रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2। अब देखो जरा पेयर बनाइएगा, एक पेयर बन रहा है ये 4 रूट 6 का, और एक पेयर बन रहा है 2 रूट 6 का। अब जरा दोनों को जोड़ करके देखिए, 4 रूट 6 में अगर 2 रूट 6 जुड़ेंगे तो 6 रूट 6 आएगा सर, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 4 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 इंटू x प्लस 48, अंदर मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर 4 रूट 6 x प्लस 2 रूट 6 x आ जाएगा प्लस 48, कॉमन कराइए सर, इसमें इसमें कॉमन देखिए क्या है, x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है कॉमन कि नहीं कॉमन है, चलिए कॉमन कर लिया, क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 4 रूट 6 बचेगा, ओके 4 रूट 6 बचेगा, ठीक। चलिए इसमें इसमें कॉमन देखिए, 2 रूट 6 इसमें, इसके अंदर 2 रूट 6 है कि नहीं देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए सर ये खोल के रखा हमने, 2 भी है रूट 6 भी है, 2 भी है रूट 6 भी है, यानी कॉमन हो सकता है इसके अंदर से 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 कॉमन किया, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस क्या बचा है यहाँ पे 4 रूट 6, इस तरह से कर लिया करिए, क्योंकि आप नीचे लिखोगे नीचे देख के आप सेट कर दीजिए, इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में कॉमन ये ब्रैकेट है x प्लस 4 रूट 6, और यहाँ पे जब इसको इससे डिवाइड करेंगे x बचेगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 रूट 6 बचेगा, एनी डाउट, नहीं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जो आपने पूछा था, 10th पूछा 12th पूछा, मैं आपको सब बता दे रहे हैं, करिए पूछिए, और नहीं पूछेंगे तो समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी तरह से 13 क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 एक्स प्लस 30, चलिए 13 टू 1 यानी 30, 30 कैसे, दो फैक्टर जिनका सम कितना आना चाहिए 5 रूट 5, यानी एक फैक्टर रूट 5 दिख गया, एक फैक्टर 5 निकाल लीजिए, इसको 5 इंटू 6 लिख सकते हो, और इस 5 को क्या लिख सकते हो रूट 5 इंटू रूट 5, और 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2। अब देखो एक फैक्टर बन रहा है 3 रूट 2, एक बन रहा है 3 रूट 3 बन रहा है कि नहीं, इसके सॉरी 3 रूट 5 बन रहा है कि नहीं, इसको इसके साथ दे दिया, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, इसको इसके साथ देंगे 2 रूट 5, और इन दोनों का सम अगर करोगे तो 5 रूट 5 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 ब्रैकेट x प्लस 30, अंदर मल्टीप्लीकेशन कराइए, x स्क्वायर 3 रूट 5 x प्लस 2 रूट 5 x प्लस 30, चेक करिए इसमें इसमें कॉमन क्या है, इसमें इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है x प्लस 3 रूट 5, इसमें इसमें कॉमन क्या है 2 रूट 5, कॉमन किया तो इससे तो x बचेगा, अब जब इसको इससे 2 रूट 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, रूट 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 रूट 5 कट जाएगा, तो 3 रूट 5, और देखिए ये कॉमन फैक्टर दोनों में आ गया, इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, x प्लस 3 रूट 5 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 2 रूट 5। ये क्वेश्चन नंबर आपने 13 से जो पूछे गए वो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे और अच्छे से करिए, मिटा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, 1 से 30 तक हमने आपसे लगाने गए थे और बहुत ही कम बच्चों ने लगाया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
अगला क्वेश्चन है 18th नंबर, 18th नंबर क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस सिक्स, रूट सिक्स नहीं रूट थ्री, रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स, तो सिक्स इंटू वन यानी सिक्स के ऐसे दो फैक्टर, तो सिक्स के फैक्टर होंगे जिसमें रूट थ्री आता हो, मतलब थ्री आता हो, तो थ्री इंटू टू, थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक। और इस टू को ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू वन, टू को टू इंटू वन लिख सकते हैं क्योंकि टू के दो ही फैक्टर टू इंटू वन ही बनेंगे। तो अब देखो जरा, अगर हम टू और रूट थ्री को एक साथ ले लें तो ये बन गया टू रूट थ्री, और वन इंटू रूट थ्री यानी रूट थ्री, अगर टू रूट थ्री में से एक रूट थ्री सब्ट्रैक्ट करें तो रूट थ्री तो बचेगा बेटा, यानी इसके क्या दो फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स, अंदर गुणा करा लीजिए एक्स का पहले, फिर ब्रैकेट खोलिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर लगा तो ब्रैकेट तुरंत नहीं खोलेंगे, पहले गुणा कराएंगे फिर ब्रैकेट खोलेंगे। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स, इसमें कॉमन क्या है सर, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस टू रूट थ्री, इसमें कॉमन देखिए रूट थ्री इसके अंदर, रूट थ्री इसके अंदर भी होगा, कैसे देखेंगे देखते हैं नीचे, देखो सिक्स को ये लिख सके रूट थ्री इंटू टू, तो रूट थ्री इसके अंदर है हाँ है, जब कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, वन का कोई मतलब नहीं तो टू इंटू रूट थ्री बचेगा, माइनस का टू रूट थ्री, क्योंकि वन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट थ्री ही रहेगा। इस टर्म में उस टर्म में ओवरऑल कॉमन क्या है, 18th नंबर क्वेश्चन है सर ये, एक्स माइनस टू रूट थ्री और ये एक्स प्लस रूट थ्री बच जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18th, कोई डाउट हो तो बता दीजिए अभी, कहीं कोई समस्या लग रही है सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है बता दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसे। 18th नंबर के बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है, 18th नंबर के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बोला गया है, 21, 22, 23, 21, 22, 23, ये तीन क्वेश्चन लगातार पूछेगा, एक ही पैटर्न क्या, चलिए बता देते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न क्या है बेटा, ये एक्स स्क्वायर 21, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस माइनस 24, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रूट थ्री रूट फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव एक्स माइनस 20, माइनस 20, कोई डाउट हो तो बताइए, माइनस 20 और 23 जो है एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस 24, माइनस 24, चलिए देख लीजिए अपने, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 22 है, ये 23 है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई इधर उधर नहीं है जो बड़ी दिक्कत वाली बात हो, वही पैटर्न चल रहा है जो अंडर रूट का है जिसके कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हुई, सारे क्वेश्चन उसी वैरायटी के पूछे गए हैं। चलिए क्या लिखेंगे, 24 इंटू वन यानी 24 आया, 24 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, टू रूट थ्री होना चाहिए, चलिए तो टू रूट थ्री, रूट थ्री दिख रहा है ना, इसको इससे थ्री निकाल लीजिए पहले, थ्री कितना लिख सकते हैं एट, थ्री इंटू कितना लिख सकते हैं एट, इसको क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और एट को लिख सकते हैं फोर रूट फोर इंटू टू, ये सवाल अभी शायद पहले हुआ है, दोबारा फिर से आ गया है वही क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हमने लिख दिया, बस यहाँ पे शायद प्लस था या माइनस कर दिया है और कोई अंतर नहीं, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक बन जाएगा फोर रूट थ्री फैक्टर बनेगा, दूसरा टू रूट थ्री बनेगा, और इनका जो उनका डिफरेंस जो होगा वो टू रूट थ्री के बराबर आ रहा है, देखिए डिफरेंस लेना था फोर रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस 24, अंदर मल्टीप्लिकेशन कराइए, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस 24, अब ब्रैकेट ओपन करिए, आप लोग जल्दी करते हो, ब्रैकेट भी ओपन करते हो और गुणा भी करते हो, तो कभी कभी ये माइनस यहाँ प्लस नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले एक काम करिए, एक स्टेप में एक काम, आप एक्स का पहले मल्टीप्लिकेशन फिर ब्रैकेट ओपनिंग करिए, फोर रूट थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री एक्स माइनस 24, कॉमन बताइए इसमें एक्स कॉमन है, क्या बचेगा फोर एक्स माइनस फोर रूट थ्री, इसमें कॉमन टू रूट थ्री,
एक्स बचेगा, जब टू रूट थ्री से निकालोगे, टू और रूट थ्री निकल गया, क्या बचा? फोर और रूट थ्री बचा, माइनस फोर रूट थ्री, दोनों में कॉमन फैक्टर x माइनस फोर रूट थ्री इन अनदर ब्रैकेट x प्लस टू रूट थ्री, आंसर चेक करिए। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, 20 के दो फैक्टर जिसमें रूट फाइव यानी फाइव चाहिए, फाइव इंटू फोर लिख सकते हैं आप इसको, इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इंटू रूट फाइव इंटू फोर इंटू वन, क्योंकि डिफरेंस चाहिए कितना, थ्री रूट, तो एक फैक्टर बनेगा फोर रूट फाइव और एक बनेगा रूट फाइव। देखिए इसको इसको साथ ले लिया तो फोर रूट फाइव बन गया, वन इंटू रूट फाइव यानी रूट फाइव, इनका डिफरेंस थ्री रूट फाइव नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस थ्री रूट फाइव नहीं आ रहा है, यानी 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस थ्री रूट फाइव होता है, एक होगा फोर रूट फाइव माइनस रूट फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट फाइव माइनस रूट फाइव इंटू एक्स माइनस 20, अंदर मल्टीप्लीकेशन कराइए पहले, फोर रूट फाइव एक्स माइनस रूट फाइव एक्स माइनस 20, ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर टू रूट फाइव एक्स प्लस रूट फाइव एक्स माइनस 20 माइनस 20, ओके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन क्या है, x क्या बचेगा, x माइनस फोर रूट फाइव, और इसमें कॉमन क्या है, रूट फाइव x माइनस फोर रूट फाइव, ओवरऑल कॉमन x माइनस फोर रूट फाइव, और ये क्या देगा x प्लस रूट फाइव, इस तरह से आप कर लेंगे इसको। इसको अगर देखें तो इसके क्या आएंगे फैक्टर, 24 से 2 बाहर कर दिया, 2 इंटू 12, और 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, अब देखिए एक फैक्टर बनेगा 4 रूट 2 और एक बनेगा 3 रूट 2, और दोनों का डिफरेंस रूट 2 के बराबर आ जाएगा, इसको खुद करिए डू योर सेल्फ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपने पूछे थे अप टू द 30 तक, अप टू द 30 तक आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उनका हमने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू।